हेलो माय ऑल सब्सक्राइबर्स एंड माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं जो बतलाने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और 2019 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन में जो है पर चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस चैप्टर इस चैनल में एडुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप लोग पूरा समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, समझाने का काम ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को धीरे से समझिएगा, ठीक है? वेरी लॉन्ग हो जाए लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये हिस्ट्री में जो है सॉरी सोशल साइंस में जो चार सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री के सेक्शन के हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, ताकि जो आपके एग्जामिनेशन में जो ज़्यादा आपका प्रेशर ना हो। तो चलिए आपको बताता हूँ, हिस्ट्री में जो है जो सेक्शन, इसमें जो है पहला चैप्टर जो है ये आपका है नेशनलिज्म यूरोप, और दूसरा जो चैप्टर है ये इंडो चाइना, ठीक? इस दोनों में से ये ऑप्शनल है, आपको पता है कि दोनों में से एक चैप्टर को आपको चूज़ करके आंसर देना है। इसमें जो टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं इस चैप्टर से 4 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? तो 4 मार्क्स आएंगे चैप्टर 1 हिस्ट्री का, और 2 में से सिर्फ 4 मार्क्स आएंगे। एक होगा 3 मार्क्स क्वेश्चन और एक होगा MCQ क्वेश्चन। इस चैप्टर से मैथ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप मैथ बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं चैप्टर 1 2 से, तो ये आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है 1 और 2 से सिर्फ 4 मार्क्स आएंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन एक और एक आएगा MCQ। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 3 का, हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया से चैप्टर से जो है सिर्फ आपके 7 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है? इसमें से आप 7 मार्क्स कहाँ कहाँ से आएंगे, तो एक होगा 5 मार्क्स क्वेश्चन सर, और दो और एक होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होगा। तो 5 प्लस 2 7 मार्क्स, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया से आपके टोटल सिर्फ 7 मार्क्स आएंगे। एक लॉन्ग आएगा और एक आएगा मैप, इसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन में तो ये आपका मेहनत बेकार जाएगा, ठीक है? अब बात करता हूँ चैप्टर 4, 5 और 6 चैप्टर। 4 चैप्टर में आपको जैसा कि पता है कि ग्लोबलाइजेशन है, उसके बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और उसके बाद जो है वर्क लाइफ, ये आप लोग जानते हैं। तीनों में से एक चैप्टर पढ़ना है, इसमें से टोटल जो है 5 मार्क्स आने वाला है। 5 मार्क्स कैसे होगा, तो एक होगा आप लोग का 3 मार्क्स का, और इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो 3 प्लस 2 5 मार्क्स हो गया, ठीक है? इस चैप्टर से सिर्फ एक आएगा 3 मार्क्स और 2 आएगा ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं चैप्टर 7 और 8। 7 आप लोग को पता है कि 7 में क्या है, प्रिंट कल्चर, और 8 में जो है आप लोग का है नोबल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। इस चैप्टर में सो सिर्फ जो आपके आने वाले हैं मार्क्स, ये सिर्फ है 4 मार्क्स, ठीक है? 4 मार्क्स कहाँ से, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा और एक आएगा आप लोग का MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 20 मार्क्स हो जाएगा। पहला हो गया 4, 7, 5 और 4 इक्वल टू 20 मार्क्स, ठीक है? यानी कि हिस्ट्री सेक्शन से टोटल 20 मार्क्स आएंगे, और पर चैप्टर से कितना आएगा मार्क्स ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आपका, और सबसे अलग वीडियो है सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और क्या आप ज्योग्राफी का सिविक्स का देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। और हमारे चैनल में इस तरह आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू सो मच।